मेरी शादी। मेरे प्यारे भाई सुनोगे कृपया मुझसे क्या कर रहे हैं। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और माता रानी करे कि आप सभी हमेशा हमेशा खुश रहें और माता रानी सबके ज़िंदगी में खुशियां भर दें। और सॉरी फ्रेंड, वीडियो बहुत ही लेट आ रहा है क्योंकि ये वीडियो मेरा नानी का है और आज दसवीं नहीं, आज तो दुर्गा जी का भसावन भी हो गया, मतलब विसर्जन भी हो गया। सॉरी फ्रेंड, आप सभी को काफ़ी लेट हो जा रहा है मुझे वीडियो अपलोड करने में क्योंकि आजकल मैं थोड़ा सा बिजी हो गई हूँ इसलिए। और अभी मैं आज चली गई थी डॉक्टर के पास, तो मैं अभी अभी आई हूँ शाम में, तो मैं सोच रही थी कि चलो इस वीडियो को एडिटिंग कर लेते हैं और आप सभी के साथ शेयर करते हैं। तो ये हमारा नवमी का दिन है, दिन का ये वीडियो है जब मैं नवमी के दिन माता रानी को खोंच भरने के लिए गई थी। तो वहाँ पर हम सारे श्रृंगार का सामान, फल फ्रूट मिठाई साड़ी जो भी होता है सब चढ़ाते हैं और यहाँ पे बहुत ही अच्छा आरती है, तो आप सब पहले एंजॉय कीजिए आरती।
यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग कुंवारी कन्याओं को खिलाते हैं, तो यहाँ पे कुंवारी कन्या खा रही हैं, मतलब और बहुत सारे बच्चे जो है वो खा के जा चुके हैं। और यहाँ पे मेरी बेटी को देखिए, उसका पत्तल उड़ने लगा तो उस पर पैर से दाब दी, अभी वो छोटी है, उसको ज़्यादा कुछ समझ नहीं है, तो पत्ता उसका उड़ रहा है तो सोच रहे कैसे इसको रखे, तो उस पर पैर ही रख दी है। और यहाँ पे देखिए, आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पे सारे कुंवारी कन्या खा रही हैं और एक भैरव भैया भी बैठे हैं खाने के लिए। अच्छा लगता है ना, ये 9 दिन 10 दिन कब कब बीत जाता है, कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता है, जबकि हमें इसमें बहुत सारा काम भी हो जाता है, सुबह शाम पूजा करना, घर की सफाई करना, बहुत सारा मतलब ऐसा हो जाता है। हम लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, अरवा चावल का खा शाम को थोड़ा सा हम लोग निकल गए थे घूमने के लिए, और पूरा घूम घूम के हम लोग वापस आ गए हैं अपने घर के पास। और वहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, वहाँ पे ही हम लोग गए थे खाने के लिए, क्योंकि हम लोग को खाना नहीं खाना था, हल्का फुल्का ही कुछ नाश्ता करना था। तो यहाँ पे हम लोग खा रहे थे चाट, चाउमीन और मोमोज, ये सब खाए थे, ज़्यादा हैवी खाना नहीं खाए थे, बस ऐसे ही नाश्ता किए थे। और मेरी बेटी इस होटल में आ ही नहीं रही थी, बोल रही थी कि ये कोई रेस्टोरेंट है, इसमें नहीं जाना है उसको, उसको बड़ा वाला रेस्टोरेंट में जाना था, क्योंकि वो कभी इससे पहले इसमें गई ही नहीं थी, इसलिए उसको लग रहा था कि मम्मी झूठ बोल रही है कि चलो होटल चलना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरी बेटी को, उसको बस किंडल जॉय मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए, तो वो देखिए किंडल जॉय खा रही है और कुछ भी वो नहीं खाई, कुछ भी नहीं खाई है, बस किंडल जॉय खाई है, उसको किंडल जॉय चाहिए, वगैरह चाहिए या फिर आइसक्रीम दे दो, बस यही सब चाहिए उसको खाने से, कोई मतलब नहीं है। बहुत मस्ती किए थे, बहुत मतलब बस अभी 4 बजे से बस ही उठे थे, सारा काम खत्म किए, उसके बाद पूजा किए, थकान नहीं लगा था, बहुत ही ज़्यादा मस्ती किए हैं, रेगुलर मार्केट हो गया। और पास में ही मंदिर है यहाँ पे, तो उसका आवाज़ जा रहा होगा आपको थोड़ा थोड़ा जोर। सो फ्रेंड, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए, बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप सबके सपोर्ट के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है, और आप सबके सपोर्ट के हमें बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है, क्योंकि एक हाउसवाइफ घर संभाल के, बच्चों को संभाल के, सारा काम देख के फिर ब्लॉगिंग करना, वीडियो डालना बहुत मुश्किल होता है हम लोगों के लिए। तो प्लीज़ आप लोग प्लीज़ किसी भी हाउसवाइफ का सपोर्ट किया कीजिए, आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि उनके वीडियो को फुल वॉच कर लिया कीजिए, और अगर चैनल पे आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए, क्योंकि अगर वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप लोगों की एक सब्सक्राइब से हमें बहुत सपोर्ट मिलती है। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग का करते हैं एंड।